मेरे नसीब तो पता नहीं कब खुलेंगे। तुम्हारे नसीब की चाबी ना इजहार के हाथ में। इजहार भी मुझे चकना घड़ा लगता है, उसको जब शादी का बोलो वो अम्मा अब्बा का बहाना कर देता है। सही कह रही है, जरूर करता होगा। अब इतने बड़े बंगले से निकल के इतने छोटे से घर में रहना किसको अच्छा लगता है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी का घर दोबारा आबाद हो गया। ऐसे मौके पे तो ऐसा ही होता है। तुम भी दुआ करना तूबा, मेरी बेटी की जिंदगी में अब कोई दुख ना आए, वो हमेशा शादो आबाद रहे। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स, अनीला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी, और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसके माऊ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी, क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो, और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा, ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स, अनीला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी, और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसके माऊ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी, क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो, और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा, ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स, अनीला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी, और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसके माऊ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी, क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे
साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि
नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो, और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी, और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसकी माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतने आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी, क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो, और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी, और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसकी माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतने आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी, क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो, और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो वो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी, और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसकी माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतने आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी, क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनीला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसके माँ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनीला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसके माँ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनीला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि उसके माँ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके मौसी कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके मौसी कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यह इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसके मौसी कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनीला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसके माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतने आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनीला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसके माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतने आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनीला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनीला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनीला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनीला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसके माँ उसे कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनीला इतने आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनीला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनीला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अनीला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनीला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ
और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी अब हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूँगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसके माऊ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसके माऊ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला का रिएक्शन ये होगा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैं तुमसे वापस जाना नहीं चाहते। व्यूअर्स, ये सुनकर हमजा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएगा और कहेगा कि नहीं अनिला, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती और जो सब मैंने पहले किया है मैं इसका माफ़ी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो और मैं कभी भी तुम पे जुल्म नहीं करूँगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा, अब ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा जिस तरह तुम्हारे साथ पहला हुआ था। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि अनिला और हमजा एक हो जाए? अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स अनिला सोचती है कि मैं कभी भी हमजा से नहीं मिलूंगी और अगर दोबारा वो यहाँ इस घर में आया तो मैं इसका शक्ल भी देखना गवारा नहीं करूंगी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा घर जाएगा और अपनी अम्मी को ये सब बातें बता देगा कि मुझे तो अनिला मिली थी। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि हमजा की माँ कहेगी कि अगर तुम्हें अनिला मिली थी तो तुमने उसे घर क्यों नहीं लाया। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि वो कहेगा कि मैंने इसलिए क्योंकि वो आना नहीं चाहती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब वो वापस घर आए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि इसके माऊ से कहेगी कि ठीक है तुम इससे बात करो, उसको घर वापस लेकर आओ। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हमजा को लगता है कि अब अनिला इतनी आसानी से मेरे साथ वापस घर आएगी क्योंकि वो सोचता है कि अनिला तो नरम दिल की है और वो मान जाएगी वापस आने के लिए। लेकिन व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब अनिला को हमजा ये बात करेगा तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अनिला